According to Stoke theorem, our v dot dl जो है, वो equal है surface integral of curl v dot of ds. तो इसका मतलब है, जो भी vector अगर किसी small circuit पर और एक small path पर और closed path पर move कर रहा है, वो इसकी curl लेकर surface integral लेने के बाद इसके साथ equal होगी. तो इसका क्या मतलब है? मान लो कि हमारे पास एक small क्यूब है, सही स्मॉल एक सरफेस है, तो इसका जो लाइन इंटीग्रल होगी, यानी इस वेक्टर की जो लाइन इंटीग्रल होगी वो किसी इस तरह से होगी, इसकी वैल्यू देगी. अगर इसका जो वैल्यू एग्जिस्ट करता है तो इसका जो डिरेक्शन किस तरफ होगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इसका जो डिरेक्शन होगा सरफेस की परपेंडिकुलर होगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, हमारा राइट हैंड जो थंब रूल होता है. तो इसके अनुसार इसका ऊपर की डायरेक्शन होगा, तो ये जो सरफेस है डी एस होगी. ओके, तो ये जो वैल्यू को जो तो ये जो वैल्यू हमारा जो इसकी जो किसकी डायरेक्शन होगी, इसकी होगी जो ये रोटेटिंग कर रहा है, तो रोटेटिंग डायरेक्शन की वही होगी. तो रोटेटिंग डायरेक्शन क्या होता है, जब रोटेशन आता है तो हमारे पास आता है कर्ल होता है. तो कर्ल ऑफ से वेक्टर फील्ड का कर्ल और रिस्पेक्ट टू डी एस वेक्टर के साथ इक्वल होगी, जो लगता है भी सही है. तो हम इसको डेरिवेशन करेंगे हमारा मैथमेटिक्स यूज करके हम इसका डेरिवेशन करेंगे. तो इसके लिए पहले आपको हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि हमारे पास एक स्मॉल क्यूब है. मान लो कि ये हमारे पास है, यहाँ पर एक स्मॉल सरफेस है जिसका साइड है ए बी सी डी. तो ये एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है. जो वैल्यू यहाँ पर है वेक्टर की, इस पॉइंट पर वैल्यू है वी ऑफ एक्स वाई एंड जेड, और ये वैल्यू यहाँ पर है बी. तो ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू बी है, हमें ये पता करना है कि जो वैल्यू बी है मान लो कि वो सेंटर पर है. तो ये जो वैल्यू बी है वो ऐसे कुछ चल रहा है, ठीक है. तो इसे अगर रोटेट कर रहा है तो हमें इसका लाइन इंटीग्रल लेकर कर पता लगा सकते हैं कि कितना इस सरफेस की लाइन के साथ जा रहा है. तो अगर हमें ये कैलकुलेट करना है, मान लो कि हमें लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, तो अब हम प्रूव करते हैं. तो हमें ये पता करना है कि अलोंग डीसी कितना जा रहा है. तो अलोंग डीसी देख सकते हैं डीसी, तो वैल्यू ऑफ बी कितना होगी, यहाँ पर जो भी होगी ये एक्सटीरेशन में होगी, तो ये होगी बी एक्स होगी, और कितना होगी डी एक्स होगी, क्योंकि टी वाई टी जेड एक्सटीरेशन में जीरो है और इसकी वैल्यू सिर्फ पी एक्स टी एक्स ही रहेगी. तो अगर हम कैलकुलेट करना है एलन सी पी कितना है, एलन सी पी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू यहाँ से वहाँ तक आ सकती है, आ चुकी है. तो कितना बी एक्स वहाँ पर सी बी वाई, तो पहले हमारा आ जाएगा बी वाई, ठीक है. प्लस कितना, जो भी वैल्यू चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमने डी सी पाथ ट्रैवल कर चुके हैं, ये डी सी का जो डिस्टेंस है वो डी एक्स है और बी सी का डिस्टेंस जो है वो डी वाई है. तो ये जो डी सी डी एक्स पाथ हम ट्रैवल कर चुके हैं, तो ये डी एक्स पाथ में डी वाई भी चेंज हो चुका होगा. तो कितना चेंज हुआ होगा, तो हम तो डेल बी वाई बाई डेल वाई होता है क्या, टोटल चेंज बाई वाई डायरेक्शन. तो इसके हम अगर इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी डेल बी वाई बाई डेल एक्स होता है कितना वैल्यू चेंज कर एक्स डायरेक्शन, अगर हम इसमें डी एक्स मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना वैल्यू बी वाई इस एक्स एक्स कोऑर्डिनेट पर वेक्टर यहाँ से वहाँ तक जाने कर जाने के लिए चेंज हुआ है. तो इसको डी एक्स कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, टोटल वेक्टर इन बी सी. तो टोटल बी सी का लेंथ क्या होता है, डी वाई मल्टीप्लाई डी वाई, तो हमारा अलाइन इंटीग्रल अलोंग सी बी हो गया है कितना. सिमिलरली अलोंग बी ए होगा कितना, अलोंग बी ए हमारे पास आएगी, तो बी ए हमारा ए होगी बी ए, तो इसका जो वैल्यू होगी बी एक्स होगी, राइट से बात है. और जो भी वैल्यू सी बी पास जाने के बाद बी एक्स की चेंज होती होगी हुई होगी, तो सी बी पास जाने के बाद सी बी एक्स की चेंज हुई होगी, डेल बी एक्स बाई डेल वाई इंटू टी वाई, टी वाई जो पाथ है उसका डिस्टेंस है और डेल बाई एक्स बाई डेल टोटल यूनिट लेंथ है, टोटल वेक्टर चेंज पर वाई डायरेक्शन इंटू कितना होगी ए बी, और ए बी तो नहीं हो सकती क्योंकि बी ए है, तो बी ए डी सी के अपोजिट डायरेक्शन में, और हम लाइट कर सकते हैं माइनस डी एक्स क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में. सिमिलरली आलम
80 हमें अगर निकलना है तो अलग 80 से अलग कितना होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर हम रीच कर चुके हैं, यहाँ पर किसी की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, तो ओनली जो वैल्यू है वो होगी ऑपोजिट टू दिस, सो माइनस पी वाई डी वाई। तो अगर हम कैलकुलेट करना है कि कितना सरफेस की साइड में जा रहा है, तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, तो इसको सुबह आर एड करना पड़ेगा, तो हमारा कर लेंगे आर लॉन्ग डी सी प्लस सी बी प्लस बी ए प्लस ए डी कितना होगा। नाउ डी सी क्या होता है, बी एक्स डी एक्स, और सी बी क्या होता है, बी वाई डी वाई। में यहाँ पर इसको अंदर ले आया बी वाई डी वाई प्लस टेल डी वाई बाई टेल एक्स डी एक्स डी वाई। अब आलंग ए डी क्या होता है, तो पहले मैं ए डी लिख देता हूँ, माइनस बी वाई डी वाई। अब आलंग बी ए कितना होता है, माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, बी एक्स डी एक्स माइनस टेल बी एक्स बाई टेल वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस बी वाई डी वाई और यहाँ पर माइनस बी वाई डी प्लस बी वाई डी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर प्लस बी एक्स डी एक्स और माइनस बी एक्स डी एक्स कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो बचा है वो रहा डेल बी वाई बाई डेल एक्स डी वाई माइनस डेल बी वाई एक्स बाई डेल वाई y dx और dx dy। तो अगर हम इसको तो सुनो डालो ये bcd कितना हुआ, जो भी बचा हो रहा है हम bcd इज इक्वल टू पॉइंट dy / del x माइनस del bx / del y dx dy। तो मतलब ये हमारी, क्योंकि हमारे पास ये सरफेस है, तो ये जो वैल्यू है हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो ये हमने लाइन इंटीग्रल दिए थे, तो ये जो लाइन इंटीग्रल है, तो लाइन इंटीग्रल इन एक्स वाई सरफेस जो बी डॉट डी ए वेक्टर जो किसी को कौन से प्लेन पर है, एक्स वाई प्लेन पर है, इज इक्वल टू इक्वल कितना कर्ल ऑफ जेड, ये जेड कंपोनेंट की कॉल की वैल्यू है, तो कॉल ऑफ पी इन जेड कंपोनेंट इस सरफेस इंटीग्रल के साथ टी एस वेक्टर है। अगर सिमिलरली हमें अगर तीनों की सरफेस लेंगे, तो ये एक्स डायरेक्शन में था, ये एक्स वाई प्लेन में था, अगर हम वाई जेड और जेड एक्स प्लेन में भी ऐसे लेंगे, तो हमारे पास आएगी लाइन इंटीग्रल ऑफ, तो ये बी एक्स था, तो बी लाइन इंटीग्रल था, तो बी डॉट डीएल टोटल लाइन इंटीग्रल आएगी, किसके साथ इक्वल होगी, क्लोज लाइन इंटीग्रल, ये हमारी इक्वल होगी टोटल सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ द वेक्टर इति डीएस वेक्टर, जो स्टोक थ्योरम की प्रूव है, तो ये स्टोक थ्योरम कहता है, जो सही भी है, जो हमने यहाँ पर आइडिया किया था, क्योंकि इस तरह से रोटेशन कर रहा है, तो इसके डायरेक्शन लाइट सी बात है ऊपर की तरफ होगी, और ये नीचे से तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सरफेस से ही आ रहा है, और ये नीचे की ओर नहीं जा रहा है, तो इसकी जो सरफेस इंटीग्रल है कुछ रहेगी, क्योंकि ये सरफेस को लीव नहीं, लीव तो कर रहा है पर एंटर नहीं कर रहा है, तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो क्लोज नहीं होने के बाद भी वैल्यू इसलिए क्लोज नहीं है, क्योंकि ये सरफेस क्लोज नहीं है, ऊपर सरफेस है, तो फिर भी ये जीरो नहीं होगी। तो यही है हमारी स्ट्रोक थ्योरम। तो थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।